मैं भारत का पहला मुसलमान बोल रहा हूं। मैंने देखा चांद के दो टुकड़े हो गए और थोड़ी देर में वो फिर जुड़ गया। मैं अपने महल से आसमान को देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत रात थी। चारों तरफ चांदनी फैली थी, सितारे जगमगा रहे थे। उस वक्त मेरी रानी भी मेरे साथ थी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। कुछ देर बाद मैं फिर से चांद को निहारने लगा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ। अभी तक इस घटना को मैं समझ भी नहीं पाया था कि एक और चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के सामने कुछ देर पहले जो चांद दो टुकड़े में बट गया था, वो वापस जुड़ चुका था। यकीन मानिए, ये मेरा वहम बिल्कुल नहीं था। मैं ख्वाब भी नहीं देख रहा था। ये सब सच में मेरे साथ हुआ। मैंने चांद को दो टुकड़े होते देखा और वापस जुड़ते हुए भी। मैं बिना देरी किए राज दरबार पहुंचा। बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलवाया। दरबार में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों के सामने मैंने उस घटना का पूरा वर्णन सुनाया। लेकिन चांद के दो टुकड़े होकर दोबारा जुड़ने की इस घटना का रहस्य नहीं खुल पाया। यही रहस्य मुझे इस्लाम के दरवाजे तक ले गया, जहां मेरी मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। चांद के दो टुकड़े होने की इसी घटना के कारण मैं केरल के कोडुनगल्लूर का राजा चेरामन पेरुमल मुसलमान बन गया। केरल में मेरे ही नाम से भारत की पहली मस्जिद भी बनी, जो किले के पास ही है। ये मस्जिद सन 629 में बनी, पर मैंने इसे नहीं बनवाया। इसकी कहानी भी मैं आगे आपको सुनाऊंगा। तो चलिए वापस उसी घटना पर लौटता हूं जहां से मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, या यूं कहूं कि आखिरी मोड़ ले लिया। क्योंकि ये न केवल मेरे चेरामन पेरुमल से ताजुद्दीन बनने की कहानी है, बल्कि मेरी मौत का रहस्य भी इसी कहानी में छिपा है। चांद के दो टुकड़े होने की वो बात मुझे कचोट रही थी, पर जवाब कहीं से नहीं मिल पा रहा था। मैंने भूलने की बहुत कोशिश की, पर उस घटना को भुला नहीं सका। मैं इसी पहेली से जूझ रहा था और एक दिन कुछ अरब व्यापारी मालाबार तट पर आए। ये बात करीब 1500 साल पुरानी है, लेकिन उन दिनों भी अरब देशों से हमारे यहां व्यापार होता था। अरब व्यापारी मालाबार तट पर आया करते थे और मसाले समेत बहुत सी सामग्री खरीद कर ले जाया करते थे। मैंने उन व्यापारियों को दरबार में भोज पर बुलाया। बातचीत के दौरान मैंने उनसे भी इस घटना का जिक्र कर दिया। अरब व्यापारियों ने बताया कि ये करिश्मा पैगंबर मोहम्मद ने किया था। अरब व्यापारियों की बात ने मेरी उत्सुकता को कौतूहल में बदल डाला। मुझे उनकी बात पर न जाने क्यों यकीन हो गया और मैंने राजपाट त्याग कर पैगंबर मोहम्मद से मिलने का फैसला कर लिया। उन व्यापारियों के साथ मैं अरब के लिए रवाना हो गया। वहां मेरी मुलाकात पैगंबर मोहम्मद से हुई। उन्होंने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनकी बातों से मेरे मन को चिर शांति प्राप्त हुई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद मेरा नाम ताजुद्दीन हो गया। मैं कुछ साल वहीं पर रहा और एक दिन मुझे भारत में इस्लाम फैलाने की जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने वापस मालाबार तट का रुख किया। मेरे साथ मलिक इब्न दीनार समेत पैगंबर के कई प्रतिनिधि भी थे। यात्रा के दौरान अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरा वक्त आ गया है। इसलिए मैंने अपने हाथों से कोडुनगल्लूर के राजा के नाम पत्र लिखकर मेरे साथ आ रहे मलिक इब्न दीनार व अन्य साथियों की मदद करने को कहा। मेरी मौत के बाद मलिक इब्न दीनार ने कोडुनगल्लूर के राजा को मेरा पत्र दिखाया। राजा ने मेरी इच्छा के मुताबिक मलिक इब्न दीनार को
मस्जिद तामीर करने की मंजूरी दी और इस तरह केरल में भारत के पहले मुसलमान के नाम पर भारत की पहली चेरामन मस्जिद बनी।